ये गोरा तो भी हाँ यहाँ पर दूसरा बार अभी लड़ रहे हैं, ऐसे तो 10 रेस जीत चुके हैं, इसे डुमरी यूपी सब में रेस जीते हैं। वैशाली जिला का नाम क्या पड़ेगा आपका? ये है सक्कर लाइव उप सिद्ध दिया लाइव महुआ मवेश। लग रहा है बहुत खुशी लग रहा है, पहला ही बार तो हम आपको पुरस्कार मिलेगा। हाँ ठीक, पुरस्कार मिलेगा आपको? हाँ हाँ पुरस्कार मिलेगा। ये कहाँ से का घोड़ा है? आप बिल्कुल देख सकते हैं कि हम अभी सिवान में है और सिवान के ये सिसई जो बाजार है इसमें घोड़े का मेला लगता है। और घोड़े के मेला में खास बात यह है कि आज जो रेस में मैं आपको बता दूं कि प्रथम राउंड में ये ब्लैक कलर का घोड़ा और देख सकते हैं घोड़सवार जो है वो भी ब्लैक कलर के पगड़ी पहने हुए हैं और इन्होंने प्रथम रेस जीता हुआ है। दूसरा मैं बता दूं कि यही जो ये लड़के हैं और ये व्हाइट कलर का जो घोड़ा दिख रहा है आपको ये दूसरे राउंड में प्रथम आया है और ये दोनों व्यक्ति बहुत खुश होता है। ये घोड़ा है मोतिहारी का, नाम क्या पड़ेगा? टुगरी। टुगरी जी, अच्छा आप पहला प्रथम अपने विजय पहला ही तो हम आपको पुरस्कार मिलेगा। हाँ ठीक, पुरस्कार मिलेगा आपको? हाँ हाँ पुरस्कार मिलेगा। ये कहाँ से का घोड़ा है? मोतिहारी। बिल्कुल कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। सिवान जिले के सिसई में, सिसई में कि ये ब्लैक कलर का जो घोड़ा है और ये सवार हैं जो पहले ही रेस में, मैं आपको बता दूं कि सिवान जिले के सिसई में पहले ही रेस में इन्होंने अव्वल आया है और आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर का घोड़ा है काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैशाली जिला का नाम क्या पड़ेगा आपका? ये है सक्कर लाइव उप सिद्ध दिया लाइव महुआ मवेश। लग रहा है बहुत खुशी लग रहा है। सिवान जिले के सिसई में पहुंचे हुए हैं और घेरा रेस जीत चुके हैं यहाँ से। अच्छा ये गोरा तो भी? हाँ यहाँ पर दूसरा बार अभी लड़ रहे हैं, ऐसे तो 10 रेस जीत चुके हैं, इसे डुमरी यूपी सब में रेस जीते हुए हैं घोड़ा। अच्छा आप बताइए अब मिलेगा कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा, खुशी का बात है। सिवान जिला में आप आए हैं, कैसा लगा आपको? व्यवस्था कैसा लगा? सबसे पहले कहना चाहेंगे मेला मालिक बहुत सुविधा देते हैं यहाँ पर, ऐसा मालिक मेला मालिक कहीं भी नहीं मिलता है, बहुत सुविधा देते हैं यहाँ पर आने के लिए, भूसा चोकर जानवर पानी सब का बहुत। दर्शक इतना देख रहे हैं खुशी की बात है। चलिए ये दूसरे राउंड का ये जो व्हाइट कलर का घोड़ा था ये आप दोनों व्यक्ति जीत गए हैं, आप सेकंड राउंड में जीते हुए हैं? हाँ सेकंड में फर्स्ट किए हैं, सेकंड अभी सेमी फाइनल हुआ है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ अभिषेक कुमार। अच्छा ये जो घोड़ा आपका जीता हुआ सेकंड राउंड में प्रथम आया है, कौन सा क्या क्या नस्ल है इसका? ये है राजस्थान नस्ल है। राजस्थान नस्ल है, ये बच्चे में लाए थे किन के हम लोग, अपना हाथ से बनाया हुआ बच्चा है। अब बिल्कुल यहाँ पे घोड़ा जो फर्स्ट किया है उनसे मैं जानूंगा, क्या नाम है आपका? मनोज शाह। आपका ब्लैक कलर का ये घोड़ा है और देख रहे हैं कि ब्लैक कलर की आप पट्टी बांधे हुए हैं, ब्लैक आपका सवारी है और आपने प्रथम राउंड में प्रथम किया है, क्या कहिएगा? फर्स्ट है। खुश हैं आप? खुश ना। अच्छा ये कौन सा नस्ल का ये घोड़ा है? बलोत्रा नस्ल का। बलोत्रा नस्ल का जी। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये दो घोड़ा जो दो राउंड में एक ब्लैक कलर का एक व्हाइट कलर का घोड़ा जो अव्वल आया है और इनको पुरस्कार से नवाजा जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं उनको काफी उत्साहित है और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है काफी गाइडलाइन कर रहा है, यहाँ के लोगों को देखा जा रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया तरह से हैंडल कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए, अभी और भी रेस बाकी है, मैं दिखाऊंगा कि कौन सा रेस में कौन सा घोड़ा अव्वल आया और प्रथम आया पुरस्कार। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मैं सिसई में पहुंचा हुआ जहाँ घोड़ा का रेस हो रहा है और आप देख सकते हैं कि एक हमारे साथ चाचा है मुछैले चाचा, बहुत ही बढ़िया पर्सनालिटी है, क्या कहिएगा? आप आए हैं सिसई में घोड़े के रेस में, क्या कहिएगा? कहेंगे जो बहुत बढ़िया घोड़ा चल रहा है ना। अच्छा, ये जो रेस है ये रेस हर साल लगता है? हाँ हर साल लगता है रेस। सर आपका घर कहाँ है? ये आ गया पंगिया का जा रहा है, लोग जो आए हुए हैं बहुत दूर दूर से चल कर आए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो घोड़ा का जो रेस है, घोड़ा का रेस ये सिवान जिले में सिसई में हो रहा है, बहुत कम ही देखने को मिलता है कि घोड़े का रेस कहीं कराया जाता है, क्या कहिएगा यहाँ पे? सर पहले आपको धन्यवाद आपके चैनल को, बहुत खुशी हुई कि आपने इस मेले का आयोजन पर आ करके इसका उत्साह बढ़ाया और हम सब आपका आभारी हैं और बहुत खुशी है। पहला बार हमने इस तरह मैंने सोनपुर सुना था लेकिन सिसई में, अच्छा अपने सिवान में पहला बार घोड़ा का रेस हो रहा है और बहुत दूर दूर से भी घोड़ा उसमें आया।